विजिटर गैलरी से दो युवक सदन में कूद पड़े, बाद में अफरा तफरी हो गई और उनके द्वारा गैस भी छोड़ी गई। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर गैलरी से दो युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, वे सदन की बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूते से कुछ स्प्रे छिपा रखा था, उसे निकालकर स्प्रे किया जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने बताया कि मैंने उसे सबसे पहले पकड़ा, कुछ ने दोनों की पिटाई की, उसके बाद सुरक्षाकर्मी को सौंप दिया। इसे देखकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकी ने हमला किया। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग थे, 2 सदन के अंदर 2 बाहर। बताया जा रहा है दोनों लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद विजिटर पास सदन में लेकर आए थे। वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुलिस पीले रंग का धुआं छोड़कर, इनका नाम अमोल और नीलम है, इनके पास कोई फोन या बैग बरामद नहीं हुआ। बाहर से गिरफ्तार हुए दोनों लोगों का दावा है कि खुद से संसद पहुंचे, न किसी संगठन से ताल्लुक नहीं है। यह घटना दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अभी कुछ घटना सबकी चिंता का विषय है, इसकी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए गए। शुरुआती जांच में साधारण धुआं था, डिटेल जांच के नतीजे आने पर सबको अवगत कराया जाएगा। इस मामले पर डीएम के सांसद टीआर बालू ने सवाल पूछना चाहा तो स्पीकर ने कहा कि दोनों लोग पकड़ लिए गए, उनके पास मिले सामान को जब्त कर लिया है। जो 2 लोग सदन के बाहर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आज उसी दिन हमला हुआ है, क्या इससे साबित होता है कि सुरक्षा में चूक है? अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि इस सबके पीछे क्या कोई बड़ा संगठन का हाथ है या फिर ये सिर्फ युवकों की ही करतूत है। अमित जीजू, दिल्ली, समाचार 24।